चालाक बंदर और मगरमच्छ। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। वह बंदर एक बड़े पेड़ पर रहता था जो एक नदी के किनारे था। बंदर हर दिन उस पेड़ के मीठे फलों का आनंद लेता था और खुश रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ उस नदी में आया और उसने बंदर को पेड़ पर देखा। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, अरे बंदर भाई, क्या तुम मुझे भी कुछ फल दोगे? बंदर ने खुशी खुशी मगरमच्छ को कुछ फल दिए। मगरमच्छ ने उन फलों का स्वाद लिया और बहुत खुश हुआ। उसने बंदर से दोस्ती कर ली और रोज फल खाने आने लगा। कुछ दिनों बाद मगरमच्छ की पत्नी ने उससे कहा, अगर ये फल इतने मीठे हैं, तो सोचो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे बंदर का दिल खाना है। मगरमच्छ ने सोचा कि वह अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करेगा और उसने बंदर को धोखा देने की योजना बनाई। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, बंदर भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर पर खाने के लिए बुलाया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बंदर ने खुशी खुशी हामी भर दी और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ ने बंदर को नदी के बीच में ले जाकर कहा, बंदर भाई, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर ने तुरंत अपनी चालाकी से काम लिया और कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है, मुझे वापस ले चलो, मैं अपना दिल लेकर आता हूँ। मगरमच्छ ने सोचा कि बंदर सच कह रहा है और उसे वापस पेड़ के पास ले आया। जैसे ही बंदर पेड़ पर चढ़ा, उसने मगरमच्छ से कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो मगरमच्छ, मेरा दिल मेरे अंदर ही है। अब जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि वह अपने खाने का इंतजार करे। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर वापस चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप और कहानियाँ सुनना चाहेंगे?